सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए वैसे तो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं? तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनूंगा। तो हमारे घर में किसी को साइकेट्री का मर्ज है, हमें पता ही नहीं। 25% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ इशूज। 25% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि पाकिस्तान में 6 करोड़ लोग, आप इनको किसी को पहचान, इसको पहचानती है, कोई जानता है इनको? रूही बानो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, और रूही ने 3 मास्टर्स की डिग्रियां की हुई थी, उसमें एक मास्टर की डिग्री साइकोलॉजी में, और उसकी गेटवे कौन सा नशा है? चाय और सिगरेट। चाय को तो हम एडिक्शन मानते नहीं हैं, सिगरेट को कौन मानता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्थ की डेफिनेशन का अंदाज़ा है किसी को कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हेल्थ जो है बुनियादी तौर पर सेहत, ये 5 इसकी डायमेंशंस हैं। ये 5 चीज़ें अगर किसी शख्स में मौजूद हैं तो वो हेल्दी है, और अगर खुदा ना खास्ता इसमें से एक चीज़ भी किसी की कम है तो वो हेल्दी नहीं है, ठीक है? और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सामने नज़र आ रही हैं आपको, जो फिज़िकल हेल्थ की हम बात करते हैं। उसके बाद मेंटल हेल्थ, फिर सोशल हेल्थ। ये सोशल हेल्थ क्या होती है, क्योंकि साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन आपके रिलेशनशिप कैसे है, ठीक है? और फिर इकोनॉमिकल हेल्थ है, फाइनेंशियली तौर पे आपके क्या हालात हैं, कोई खिलाते पिलाते हैं दोस्तों को तो उससे पता चलता कितनी फाइनेंशियल हालात हैं। और अब रीसेंट पास्ट में WHO ने हेल्थ के डेफिनेशन में स्पिरिचुअल हेल्थ को भी शामिल कर दिया। अच्छा, ये स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? रूहानी हेल्थ। रूहानी हेल्थ का क्या मतलब है? अच्छा, रूहानी हेल्थ का जो एक आम लफ्ज़ों में, मेरा मकसद जो है ना वो आपको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, माशाल्लाह आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, ठीक है? मेरा मकसद जो है वो मैसेज एक कन्वे करना है, और वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप लोग जो हैं वो कल इस मुल्क को संभालेंगे, और कल सबसे पहले अपने घर को संभालेंगे, उसके बाद आपके जो है ना वो अपना हिस्सा डालेंगे अपने शहर के लिए, फिर अपने मुल्क के लिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक किसी भी हायर पावर से, अगर आपका बिलीफ अल्लाह के अलावा किसी और ताकत में भी है तो उसके साथ आपका रिलेशन, और अगर हम सब यहाँ मुसलमान बैठे हैं तो फिर अल्लाह से रिलेशन, और आपका अपने साथ के लोगों के साथ का रिलेशन, और उसके बाद आपके जूनियर्स के साथ आपका रिलेशन, इसको स्पिरिचुअल हेल्थ कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी फिज़िकल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, आप जिस्मानी तौर पे ठीक हैं, आपकी इकनॉमिक हेल्थ भी ठीक है, आपके पास पैसे वगैरह हैं, आपकी फैमिली के पास हैं, आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, आपका बिलीफ सिस्टम भी ठीक है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, व्हाट डू यू थिंक? आप हेल्दी हैं? नो। अच्छा, मेंटल हेल्थ ठीक है, आपके पास फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका अच्छा है, आपका फिज़िकल हेल्थ भी आपकी अच्छी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी भी आपकी अच्छी है, आपकी सोशल हेल्थ ठीक नहीं है। आप कहते हैं कि जी मुझे तो सब कुछ आता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, मैंने बहुत पढ़ लिया है, मैं बहुत बड़ा कोई आदमी हूँ। तो अगर आप खुदा ना खास्ता तरक्की की इस पोजीशन पे आ गए हैं और आप तरक्की की पहाड़ी पे खड़े हैं तो आपका काम ये वहाँ से छलांग लगा दें। इसका मतलब ये है कि आपकी सोशल हेल्थ बिल्कुल बेकार है, आप किसी को अपने जैसा या अपना अच्छा इंसान नहीं समझते। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में हर एस्पेक्ट जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने लीडर बनना है तो आपको इन 5 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है कि आपके पास पैसे हैं, आपकी फिज़िकल हेल्थ ठीक है, आपकी इकोनॉमिकल हेल्थ ठीक है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लीडर बन सकेंगे। और मैंने कई लोगों को देखा है, आप लोगों से पूछते हैं
कि आप कैसे हैं, तो वो जवाब क्या देते हैं? ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? आज सुबह मिले होगे ना तुम लोग एक दूसरे से, वो फिजिकली ठीक है, फिजिकली ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना क्या चाहिए? और अगर खुदा ना खास्ता ये पूछ लिया कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए वैसे तो, क्या आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है? लेकिन क्या हम पूछ सकते हैं? हम नहीं पूछ सकते। क्यों? क्यों? क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहा आपने? मिथ्स हैं। क्या है? क्या है? क्या मैं कोई पागल हूँ? क्या 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 मैं पागल हूँ? ओके, तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। ये है हमारा माशरा। अच्छा जी, तो हम किसी को कहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, तो क्या होता है? वो नाराज़ हो जाता है। क्यों? इसलिए बात नहीं करना चाहता। बड़ी खूबसूरत बात की तुमने, और बात करनी किस पे चाहिए? इसी बात, और सबसे ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। मैं आपको एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाना चाहता हूँ, और मैं अपने सारे बच्चों को, अपने दोस्तों को, साथियों को ये ज़रूर सुनाता हूँ। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा थे, मिंबर रसूल पे बैठे हुए थे, जुमे का दिन था, खुतबा जुमा दे रहे थे। एक औरत चलती हुई आई है मस्जिद में, और आने के बाद उसने जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में कोई बात की। आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को ज़रा समझिएगा। जुमे का दिन है, मेंबर रसूल है, खुतबा दिया जा रहा है, सहाबा कराम सामने बैठे हुए, औरत चलती हुई आती है, कान में मुसलसल बात करती रहती, कान में मुसलसल बात करती रहती, हत्ता कि उनका हाथ पकड़ लेती, हाथ पकड़ के उनको बाहर लेके जाती। आपको अंदाज़ा है, आप में से कई लोग जो हैं वो सऊदी अरब उन्होंने विज़िट किया होगा, कि वो कितना गर्म इलाका है, ऐसे ही ना, उसका फ़र्श कितने गर्म है। उस ज़माने की बात सोचें, आज से 1400 साल पहले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में मुसलसल बात की जा रही, पसीना जो है वो सर से बहता हुआ जूतों तक आ गया। अगर आप में से जिन लोगों ने विज़िट किया हो मदीना मुनव्वरा को आजकल, तो इस वक्त जो मस्जिद नबवी है, वो मदीना मुनव्वरा जो उस ज़माने का शहर था पूरा उतनी ही है, पूरे शहर के बराबर है। क्योंकि जो कब्रिस्तान है जन्नत बकी जिसको कहते हैं, वो शहर से बाहर था, अब वो मस्जिद नबवी के अंदर है। तो वो कान में बात की जा रही है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बात को सुनते जा रहे हैं, नोट किए जा रहे हैं, और साथ साथ चलते जा रहे हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंस देखें इस बात की, इसको हदीस को याद रख लेना अच्छी तरह से। इम्पोर्टेंस ये है कि काफ़ी जब टाइम गुजर गया, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके साथ थे, उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका दिमाग ठीक नहीं है, तो जवाब सुने और उस पर अमल करना शुरू करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे पता है इसका दिमाग सही नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा? और हमने सुनना छोड़ दिया। हम उनकी उम्मत में हैं, हमने सुनना छोड़ दिया। हमने किसको सुनना छोड़ दिया? सबसे पहले तो जो हमारे कमरे में रहता है उसको सुनना छोड़ दिया, और फिर अपने घर में जो रहता है उसको सुनना छोड़ दिया। ये कौन लोग हैं? वालदैन, हमारे बड़े। क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें सब कुछ है, जो कुछ है इसमें लिखा हुआ है। हमने सुनना छोड़ दिया, हमने टाइम देना छोड़ दिया। और टाइम क्या चीज़ है? जो सबसे कीमती चीज़ है आपकी ज़िंदगी की। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना, इसमें बच्चे अमल करना शुरू करें और एहसास करना है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं, लेकिन मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनूंगा? अच्छा, नतीजा उसका क्या हुआ? जब हमने सुनना छोड़ दिया, तो हमारे घर में किसी को साइकेट्री का मर्ज़ है, हमारे घर में कोई एडिक्ट है, हमारे घर में किसी को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, हमारे घर में कोई स्पेशल फीमेल है, हमें पता ही नहीं।
हमें पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अभी रिसेंट पास में WPA वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, वाहिद पाकिस्तानी है, आज तक 70-75 साल में, वो हमारे बोर्ड मेंबर भी है हमारे हॉस्पिटल के। तो हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी अपने हॉस्पिटल में, तो वहाँ इस पर डिस्कस हुई कि कितने हो गए हैं। तो 25% ऑफ द पॉपुलेशन अफेक्टेड बाय मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफ द होल वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ इसका? हर चार में से एक, और 8 अरब में से कितने हो गए? 2 मिलियन हो गए। ज़बरदस्त। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 22.3, 22.2 25% कितने हुए? 6 करोड़ रख लें, ठीक है। 6 करोड़ लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, यहाँ पे वैसे कितनों को चश्मे लगे हुए? अच्छा, मुझे भी लगा हुआ चश्मा, जेब में है या पता नहीं गाड़ी में। मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ होते किसको हैं? आज ये सीख के जाना यार, ठीक है, आज सीख के जाना। आप कह रही हैं हसास टाइप के सेंसिटिव लोग जो हैं, जो ओवरथिंक करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, आप ख्याल करते हैं दूसरों का। सर, जिसने आपने बताया कि लोगों ने सुनना छोड़ दिया, तो लोगों ने बताना भी छोड़ दिया। वाह, क्या बात कर दी, ये तो है। चलें, आप बताएं। बहुत ज़्यादा सोचने से हसास लोगों की बात कर रहे हो। अच्छा, इस कमरे में कितने लोगों को मेंटल इलनेस हो सकती है? क्योंकि सबके सब ये सेंसिटिव हैं और सबसे हसास हैं, ज़्यादा सोचते हैं। हैं भी ज़्यादा सोचती हो? सर, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ इशू किसी को भी हो सकता है। क्यों? इसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। मेरे पास तो एक रीज़न है, मैं भी बता देता हूँ। नहीं, उसकी वजह आप तो बताओ ना, क्यों हो सकती है यार? बर्डन हो सकता है किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का, जो हमारा माइंड उसको। अच्छा, चलें, चश्मा किस किस को लगा हुआ है? दोबारा हाथ खड़ा करें। इनको क्यों चश्मा लगाया और इनको क्यों नहीं लगा? इनकी कमज़ोर नहीं है? नहीं, इससे पहले वाली भी एक बात है, इससे भी पहले वाली एक बात है। यूज़ मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखती हैं, जो देखती हैं चश्मे उनको लगे हुए हैं? नहीं भाई, सबसे पहली शर्त एक है, और शर्त ये है कि तुम्हारे पास आँखें होनी चाहिए। आँखें होनी चाहिए, अगर आँखें हैं तो चश्मा लगेगा, चाहे वो दूर की हो या पास की ख़राब हो, वो नीली हो या पीली हो, ठीक है, वो हरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, शर्त क्या है? आँखों का होना। तो दिमाग की बीमारी के लिए क्या ज़रूरी है? अच्छा, ज़रा हाथ खड़ा करेंगे जिसको दिमाग की बीमारी इस हॉल में नहीं हो सकती। ये हाँ जी, समझ आई बात? शर्त नंबर 1 क्या है? दिमाग का होना। अब ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो इसका मतलब ये है कि ये घर घर की कहानी है, ठीक है। लेकिन उससे भी अगली बात है, हर शख्स की कहानी, इसको याद रखना। और आज के बाद किसी को मजाक में भी पागल ना कहना। क्यों? मैंने देखा है, अगर मैं दूर से देखूँ ना किसी लड़कों को आपस में, लड़कियों को तो मुझे सही पता नहीं, लड़कों को मैं जब देखता हूँ तो बड़े दोस्त अगर पक्के ना, तो वो माँ बहन की गालियाँ दे रहा था उसको, तो दूर से पता चलता है कि यार ये बहुत पक्के दोस्त हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई मोहब्बत नहीं है, ये कोई दोस्ती नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आज का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि दिमाग की बीमारी सिर्फ उस शख्स को हो सकती है कि जिसके पास। तो आज के बाद किसी को पागल नहीं कहना, और दिमाग की बीमारी से बचना कैसे है इस पर काम करना है। 25% ऑफ द पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि पाकिस्तान में
6 करोड़ लोग साइकेट्रिक इलनेस से मुबतला हैं। अच्छा, अब हम तो बात करते ही नहीं, और ख़ास तौर पे लड़कियां बात करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता हमारे घर में कोई लड़की, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी को कोई सिंपल बीमारी, जिसको आजकल हर शख्स को होती है, और उसका नाम है डिप्रेशन, कहते हैं बताना नहीं किसी को और शेयर भी नहीं करते, ठीक है, नहीं नहीं हमारी बच्ची को ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि रिश्ता नहीं होगा, और खुदा ना खास्ता उसका रिश्ता हो जाए तो चांसेस इसके ऐसे ऐसे होते हैं, और खुदा ना खास्ता उसकी शादी हो जाए, कहते जो पागल दे दिया हमें। मैं रोज़ाना हमारे हॉस्पिटल में, हम कोई 100-150 पेशेंट रोज़ चेक करते हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है, आप लोगों ने किसी ने विज़िट किया है वहाँ पे? फाउंटेन हाउस आपने किया? आपने भी किया? ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और बेसिकली वो जगह क्या है, आप में से किसी को बताएंगे वो जगह क्या है? दिखाएं जी तस्वीर इनको, ये क्या जगह है, ये जगह क्या है, आपको कोई बताया था वहाँ पे किसी ने जो विजिट करते हुए? यहाँ का जो पहले मैंने जो सुना था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्ट किया था, काफ़ी टाइम वहाँ रही हूँ, तो उन्होंने बताया था कि ये बेसिकली फाउंटेन हाउस है। इसको हाउस इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको पेशेंट्स नहीं कहते, मेम्बर्स कहते हैं, कि वो एक फैमिली की तरह वहाँ पर रह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वैसे ये जगह क्या है, ये बिल्डिंग देख रहे हो तुम, ये बिल्डिंग क्या है? ये बिल्डिंग एक बेवा आश्रम है, यहाँ पे एक यंग बेवाओं को रखा जाता था आज से 100 साल पहले, ठीक है। और आप में से किसी लोगों ने जब फाउंटेन हाउस को अंदर दाखिल हुए होंगे, तो राइट साइड पे की स्कूल है, वो उस बेवा आश्रम की एक्सटेंशन है, कि वो लड़कियाँ वहाँ पे स्टिचिंग और निटिंग करती थी। एक बच्चे ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात अभी की कि लड़कियों की बात छोड़ें, मर्दों के बारे में भी बात करें, और ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि खुदा ना खासा मुझे डिप्रेशन हो जाए तो मैं बिल्कुल, हाँ मुझे डायबिटीज़ हो जाए तो मैं लोगों से मशवरा लूँगा, मैं कहूँगा कि भाई मुझे कोई डॉक्टर बताओ, मुझे कोई हॉस्पिटल बताओ, कोई नई दवा आई है, कोई गोली बताओ, कोई इंजेक्शन बताओ, और लोग खुशी खुशी बताएंगे। हम में से अगर किसी की खुदा ना खासा कोई हड्डी वड्डी टूट जाए, तो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ऑपरेशन हुआ है, उसका प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो लोग क्या करते हैं, हाल चाल पूछने जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं। फाउंटेन हाउस में कोई फूल नहीं आता, फाउंटेन हाउस में फूल कभी नहीं आते। क्यों रमीना आता है? नहीं सर, कभी भी नहीं। क्यों? क्यों क्या हम डिस्कस ही नहीं करते, कोई हाल पूछ, हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते इतनी इम्पोर्टेंट बात को, हम इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। तुम लोग क्योंकि कल इस मुल्क को चलाओगे, तुम लोग कल अपने घरों के लीडर्स होगे, तुमने आज सीख के जाना है कि हमने स्टिग्मा के खिलाफ काम करना है, हमने इस स्टिग्मा के खिलाफ बात करनी है और खुल के बात करनी है, क्योंकि जब बात करेंगे तो मसले का हल निकलेगा। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं कि जिन्होंने 10-10 दफन होने वाली बेटियों के बापों को उनकी आदत छुड़ाई, और ऐसी बेटियों के सर पे भी चादर रखी कि जिसको कोई बुलाता नहीं था, हमने उनकी उम्मत को है, उसको उनके सुन्नत पे काम करना है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी इस सिस्टम के अंदर, बिरादरी सिस्टम के तहत शादियां नहीं होती, बदकिस्मती ये है कि ऊंच नीच की बुनियाद पर शादी नहीं होती, जबकि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ना इस बात के लिए 1500 साल पहले दिखा दिया था, बता दिया था, अमल करके दिखाया था। अच्छा जी, तो फाउंटेन हाउस बेवा आश्रम, एक जवान बच्ची 16-17 साल की, शौहर मर गया अचानक, अब माशरा कौन सा है, हिंदू माशरा, अब सोचना इस बात को,
और इस मेरी बात कंप्लीट होने के बाद दुरूद दो रकात शुक्राना अदा करते रहना रोज़ाना जाके। किसकी बेटी है? पंजाब के सबसे अमीर आदमी की, जिसका नाम है गंगाराम, जिसने मॉडल टाउन बनाया, जिसने GPO बनाया, जिसने गंगाराम हॉस्पिटल बनाया, जिसने हेली कॉलेज बनाया। हिंदू था ना 100 साल पहले। आप उनके उनके माशरे में बेवाओं की शादी नहीं होती थी, उनको आश्रम में रखा जाता था। आश्रम क्या कौन सी जगह होती है कि जहाँ पे सिर्फ एक कपड़ा पहना जाता था, सफ़ेद रंग का। उनके भवें साफ़ कर दी जाती हैं, उनके सर के बाल साफ़ कर दिए जाते हैं। और दूसरा ऑप्शन उनके पास क्या था कि वो जो बूढ़ा आदमी जो मर गया है उसके साथ जल जाओ, उसको कहते हैं सती। अच्छा, मैंने मुझे ज़िंदगी में दो तीन मौके इस तरह के मिले कि मैंने एक तो गंगाराम की पोतों से भी मेरी मुलाकात हुई इंडिया में, और मैंने इंडिया में जो है ना वो इस बेवा आश्रम्स को भी देखा जाके। आज भी वहाँ पे इसी तरह से औरतों को रखा जाता है इंडिया, बिल्कुल। जो बेवा हो गई तो एक तो शादी की इजाज़त ही नहीं है। तुम्हें दो रकात शुक्राना अदा करना है, दो रकात शुक्राना अदा करना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालिका औरत से जो उम्र में 25 साल 15 साल बड़ी थी उससे शादी की, सबसे बड़ी निशानी। और अमल करके दिखाया, बेवाओं से मुतालिकाओं से शादी करके दिखाई, मैसेज कन्वे किया कि लेके चलना है सबको साथ, ठीक है। दो रकात शुक्राना अदा करना। मैं जब से मुझे ये सारी बातें पता चली हैं, मैं रोज़ाना अपनी इस ब्लेसिंग्स पे शुक्रगुजार होता हूँ। तो फाउंटेन हाउस बुनियादी तौर पे एक बेवा आश्रम था, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे फाउंटेन हाउस बना। जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क के अंदर जिस घर में ये साइकेट्री के अमराज में मुबतला लोगों के रिहैबिलिटेशन सेंटर को बनाया गया, वहाँ पे एक फव्वारा था जिसको फाउंटेन, इस वजह से उसका नाम फाउंटेन रखा गया। और इस वक्त पूरी दुनिया में 500 फाउंटेन हाउस हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो फाउंटेन हाउस है इसके 3 ब्रांचेज हैं, एक लाहौर, एक सरगोधा और एक फारुखाबाद। ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हैं उनसे, और हमारा उनका बिल्कुल मैच नहीं करता, क्योंकि वो टोटल गवर्नमेंट फंडेड है और हम लोग लोगों की मदद से चलाते हैं इसको, ठीक है। तो साइकेट्री के अमराज मुझे सबसे बड़ी बीमारी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। आप इनको किसी को पहचान, इसको पहचानती है? कोई जानता है इनको? नहीं, आप लोग इतने सीनियर नहीं, वो पीछे मेरे भाई बैठे हुए हैं उनको पता होगा ये कौन है। आप नहीं पहचानते इनको? इनका नाम है रूही बानो। रूही बानो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, ठीक है। और रूही ने 3 मास्टर्स की डिग्रियां की हुई थी, उसमें एक मास्टर की डिग्री साइकोलॉजी में थी, ठीक है। 2 पीरियड ऑफ परफॉर्मेंस को मिली थी, जिस जमाने में इसका ड्रामा चलता था या फिल्म चलती थी गलियां सुनसान हो, शहर बंद हो जाता था, ठीक है। लोग इसको इतना पसंद करते थे, लेकिन जब बीमारी आई और न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो गए तो इसको ये नहीं पता था कि ये किचन है या बाथरूम है। और जब हम इसको लेके आए इसके घर से तो उसने कपड़े पूरे नहीं पहने हुए थे, और इसको ये नहीं पता था कि जो ये कुत्ता है ये उसका बेटा नहीं है। और एक हाथ में उसकी रोटी थी जिसमें दाल रखी हुई थी। ये है वो बीमारी, इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, शिज़ोफ्रेनिया या मालकोलिया, ठीक है। इस बीमारी को समझना है, और इस बीमारी में जो सबसे बड़ी बात मैंने देखी है, एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन हो रही होती है, और वो क्या है? जिन नज़र आते हैं, देखें जिन, देखें कोई जिन विन यहाँ पे भी है कोई? हम खुद जिन हैं, हाँ ये तो है। घर वालों से अम्मी अबू से पूछे, बोले जिन है। अच्छा, नज़र वज़र कितनों को लगी है आजकल यहाँ पे? इस क्लास में कितनों को नज़र लगी? नहीं लगी नज़र कोई आज तक? बढ़िया, वैसे कमज़ोर मामलात हैं।
ये तो ये जितनी लड़कियां हैं और जो थोड़ी सी प्यारी लड़कियां हैं उनकी अम्मी अबू हमारी बच्ची को तो नजर लगे और सारी बच्चियां ही प्यारी हैं अम्मी अबू के लिए, है ना। और नंबर भी कम आ गए तो भाई ये तो फुप्पी ने जादू कराया था ऐसे ही ना। और पुप्पो और खाला सबसे ज़्यादा चच्ची वच्ची वही कराती हैं जादू, ऐसा है भैया। हर एक को लग रही है, हर वक्त लग रही है नज़र नहीं, इतनी लगती है नंबर, पूरी कॉलेज में सबसे कम नंबर आ रहे हैं, पढ़ नहीं रही है, नज़र लग रही है, हैं हैं रिश्ते में रुकावट हैं। इतनी ख़तरनाक बात, ये कराई हुई पप्पो ने, नहीं होने देंगी शादी, ये कौन करा सकता है यार। हमारा हमारा माशरा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना उस वक्त बताया था इस बात, उस वक्त बताया ये बात कि बिल्कुल इन बातों पे ना जाना, तो हम परस्ती इसको कहा जाता है। जिसके नंबर नहीं आ रहे उसको नज़र लग गई है, हैं ऐसा है, पढ़ाई कर नहीं रहे कह रहे नज़र लगी हुई है। तो ये तो एक लेम एक्सक्यूज़ेस हैं। और हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा नौकरी नहीं कर रहा, नौकरी मिल नहीं रही, नज़र लगी हुई है, वो तावीज़ कराया हुआ और घंटा भी कराया हुआ इस पर। हमने एक स्टडी की, आप हैरान हो जाएंगे, हमने स्टडी की कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमने लास्ट ईयर 45,000 पेशेंट चेक किए अपने आउटडोर में। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, ये रहमीना उसकी हेड है उस रिसर्च की, कि वो कितने बाबों के पास होके हमारे पास आते हैं या कितने डॉक्टरों के पास होके आते हैं, तो पता चला 7 या 8 जाली बाबों के पास आते हैं, जंजीर बांध के अपनी बेटी या बेटे को लेके आते हैं, जिसका जिस्म जला हुआ होता है, बाबा ने कहा था जला दो, एक गोली नहीं खिलाते। और मैं किस शहर की बात कर रहा हूँ, कहाँ है लाहौर का शहर में फाउंटेन हाउस, आपको पता है, हाँ सेक्रेटेरिएट के पास। आपने अगर लाहौर से आप किसी और, अच्छा कोई मुझे बताया यहाँ से लाहौर के अलावा किसी और शहर से ताल्लुक़ है आपका, आप विहाड़ी, अच्छा जब लाहौर से विहाड़ी जाती हैं तो रास्ते में कोई निशान नज़र आता है कि जिसमें लिखा होता है विहाड़ी कितने किलोमीटर, और जब वहाँ से आते हैं तो फिर निशान नज़र आता है कि लाहौर कितने किलोमीटर। ये कहाँ से शुरू होता है लाहौर पता है, कोई ना कोई तो होगा ना ज़ीरो पॉइंट, वो कहाँ है ना जी कोई बताए मुझे, कहीं तो ज़ीरो होगा ना जहाँ से शुरू हो रही है कि ये 50 किलोमीटर है, अपना पतोकी 70 किलोमीटर है, ओकाड़ा 125 किलोमीटर है, साहिवाल 200 किलोमीटर है, रिहाड़ी फिर ख्याल से लेफ्ट पे जाके उल्टे हाथ पे, हाँ जी कहाँ से शुरू होता है, लाहौर के रहने वाले कितने हैं, माशाल्लाह मेजॉरिटी तो लाहौर में रहने वाले हैं। ये लाहौर का ज़ीरो पॉइंट कहाँ से शुरू कहाँ से होता है, फाउंटेन हाउस से, फाउंटेन हाउस के साथ 68 जवान अदल, ये ज़ीरो पॉइंट है, आज याद रख लें इसको, ठीक है, वहाँ से शुरू होता है लाहौर। लाहौर की जो सबसे मेन जगह है वहाँ पे लोग जब आते हैं तो अपनी माँ को और बहन को धूनी लगवा के लाते हैं। मैं ये किसी डीजी खान में दादू राजनपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, उन गाँव की बात नहीं कर रहा, मैं लाहौर सिटी की बात कर रहा हूँ। ये है तुम परस्ती, और 1500 साल गुजर गए, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैसेज दिया था नहीं अमल किया। कहते ज़रूर हैं सब कि हम आशिक़ रसूल हैं, दोनों हाथ खड़ा करके कहते हैं, अमल कोई नहीं करता। स्किज़ोफ्रेनिया 1-2% ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा उसकी बड़ी वजह वही है ना, फिर वही बात है, क्योंकि हम किसी की चीज़ के बारे में ना पढ़ना चाहते हैं और ना कोई हम डिस्कस करना चाहते हैं, ना हमें कुछ पता है। अच्छा जी तो ये है स्किज़ोफ्रेनिया, ये देखें स्किज़ोफ्रेनिया, और ये देखें वो जो आवाज़ें आती हैं जो कहती हैं कि मार दो उसको, और हम कहते हैं कि नहीं नज़र लगी, जो बीवी आई है ना इसकी, इसने तबाह किया, हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक था पहले, और वो बच्चा जो होता है उसने पूरी ज़िंदगी में तबाही मचाई हुई होती है। एक तो ज़्यादातर हम उन लोगों की शादियां कर देते हैं जो हाँ, और किसकी शादी करते हैं जो बिल्कुल घर में काम नहीं करती, उसकी शादी कर दो,
हाँ, ना नहाती है, ना कपड़े बदलती है, ना मुंह धोती है, शादी कर दो ठीक हो जाएगी। वो ठीक कर देती है जाके दूसरे घर में दूसरे को। बिल्कुल, जो काम नहीं करता, जो नौकरी नहीं करता, जो सही पढ़ता नहीं है, शादी कर दो, एक हल है। अब एक बंदे की एक टांग टूटी हुई है, उस पर आप 50 किलो का वजन और रख दें तो क्या होगा, दूसरी टांग भी टूट जाती है और दूसरी फैमिली भी तबाह हो जाती है। ये माशरा है आज तक हमारा, बदकिस्मत माशरा, ठीक है ना। नहीं, इलिटरेट नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग भी यही करते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हैं 1-2%, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम कोई 50 लाख के करीब इसकी जो फ्रेंड्स हमारे इस माशरे में रहते हैं, जिनको किसी वक्त भी हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत पड़ सकती है। और बदकिस्मती फिर वही, हेल्थ हमारी इम्पोर्टेंट है, हमारी ज़िंदगी हेल्थ की कोई इम्पोर्टेंस है? है, आप लोगों के पास है इम्पोर्टेंस, है इम्पोर्टेंट। मुझे कोई मिसाल दें इम्पोर्टेंस की, कि आप में से यार एक इसको क्या मुसीबत है, बताएं। अच्छा, घर में ये जो आपको जेब खर्च वगैरह मिलता है, आप में से कोई जॉब भी करते हैं लोग? Yes. हाँ, कितने हैं जो जॉब करते हैं? जॉब करते हैं। कोई बजट रखा हुआ अपनी हेल्थ के लिए? अच्छा, कपड़ों के लिए? मेकअप? हाँ, मोबाइल फ़ोन? हाँ, रखा होगा बजट यार, उसके बगैर कैसे इतने लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन, अब तो 4-4 लाख 3-3 लाख पता नहीं कितने के हो गए मोबाइल रखे हुए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, और हेल्थ में कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है? मेंटल हेल्थ। कितने पैसे रखे हैं बताओ? जीरो। शॉर्ट नहीं नहीं, ये सही कह रही, मैं अभी उसके बारे में बात करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात की है। शॉर्ट टर्म रिजल्ट है इसका, सिर्फ शॉर्ट टर्म, जिस दिन कपड़े पहन लिए उस दिन काम ख़त्म, बस उससे रात को बेचैनी होती है कि सुबह मैंने दिखाना है जाके क्लास में, या सुबह अपनी सहेलियों को बताना है कि मैंने देखो कितना ज़बरदस्त सिलवाया है, और वो जिस दिन पहन के चले गई उसके बाद कहा कि नहीं अम्मी दोबारा दिलाओ, काम ख़त्म हो गया। उसकी इम्पोर्टेंस बहुत छोटी है, जो रहने वाली चीज़ें उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। बोर तो नहीं हो रहे? पक्की बात है? चले, मुझे बहुत अच्छा था जब शाह साहब ने मुझे कहा कि जो साइकोलॉजी के फील्ड के लोग हैं और स्पेशल एजुकेशन के फील्ड के लोग हैं वही बच्चे हैं, तो मैंने कहा चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, समझने वाले लोग तो हैं इस फील्ड में, कम से कम एटलीस्ट समझने वाले लोग तो हैं। तो 1-2% ऑफ द पॉपुलेशन स्किज़ोफ्रेनिक्स, जो किसी ना किसी वक्त उनको ज़रूरत पड़ सकती है हॉस्पिटल में एडमिशन की, लेकिन कुछ हज़ार बेड हैं पूरे पाकिस्तान में, और हैं कितने? ये 50 लाख। और अमेरिका में कितने होंगे? अमेरिका में इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा। और सऊदी अरब में? अच्छा, वहाँ तो लोग ना अपने फ्रिज पे एक पर्ची चिपका के रखते हैं जिस पे डॉक्टर का टाइम लिखा होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट का, साइकोथेरेपिस्ट का टाइम लिखा होता है, और वो जाके साइकोथेरेपिस्ट से, डॉक्टर से मिलते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। मैं कुछ साल पहले, हम न्यूयॉर्क में थे, तो न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर है, फास्टेस्ट शहर है, 67% जो है ना उसकी पॉपुलेशन के लोग, 67 उसकी पॉपुलेशन के लोग जो है वो एंटी डिप्रेशन खाते हैं, जहाँ पे शादी ब्याह के कोई मसले नहीं, जहाँ पे सास बहू के भी मसले कोई नहीं है, और जहाँ पे नंद भावच के तो बिल्कुल ही मसले नहीं हैं क्योंकि वो शादी बहुत कम करते हैं, ठीक है। माँ बाप ओल्ड हाउसेज में ज़्यादा रहते हैं बूढ़े जब हो जाएं, ये नहीं होता हमारी तरह से कि जब हमारे अब्बा बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए, तो घर में ही बैठ गए दिन भर बहुओं को जो है बातें सुना रहे हैं, वहाँ है सब कुछ नहीं। इसके बावजूद भी 100 में से कितने लोग, 67% लोग जो है ना वो एंटी डिप्रेशन खाते हैं। तो हमें कितनी खानी चाहिए? 100%। और उसकी वजह मैं बता दूं, आप रोड पे खड़े होकर देख लें, आपको किसी माशरे की रिफ्लेक्शन इस रोड पे नज़र आएगी। हर शख्स एक दूसरे को हॉर्न बजा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है,
बदतमीज़ी कर रहा है, ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। बाहर के मुल्कों में मैं उनकी कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। हॉर्न बजाना गाली है। और फिर मैं कहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिदायत है हमने उसमें अमल नहीं करते। ऊंची आवाज़ में बात ना करो, उफ ना कहो वालदैन को। क्या लफ्ज़ है उफ? अभी ज़रा मैं स्टडी कर लूँ, इसका क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उनके वालदैन से एक टिक लगवाऊँ कि ये क्या करते हैं आपके साथ, पता चल जाएगा। अच्छा, इस कमरे में कभी किसी को हुआ डिप्रेशन, एंजाइटी हुई? अच्छा, एंजाइटी तो बहुत कॉमन चीज़ है, ठीक है, वो तो हो ही जाती है, और डिप्रेशन भी वैसे कॉमन है, हो ही जाता है। क्यों हो जाता है? जब नंबर नहीं आते, जब प्रेशर होता है, ठीक है। कभी गुजरे हैं डिप्रेशन से? आप गुजरी हैं? अच्छा, मैं गुजरा हूँ। और पिछले साल मैं अपने हॉस्पिटल में था, वहाँ पे मेरी वाइफ वो पीछे बैठी, उसने कहा जी आपकी शक्ल जो है ना वो काली हो रही है। मैंने कहा जी थोड़ा हल्का फुल्का बुखार है। कहते नहीं, हॉस्पिटल चले। तो मुझे वो हॉस्पिटल लेके चले, तो उन्होंने कहा जी इनके दोनों लंग्स जो है ना ख़त्म हो गए, 85% ख़त्म हो गए करोना। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में जाके फारूक अस्पताल के ठोकर पे वहाँ एडमिट हुआ और वहाँ पे 9-10 दिन रहा, तो मेरे साथ के चारों तरफ के लोग दुनिया से चले गए और मेरे सामने रोज़ाना 10-12 लोग डेथ होती थी वहाँ पर। तो फिर मुझे डिप्रेशन हुआ और फिर अल्लाह का एहसान है कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। तो जब मैं एंटर हुआ था तो मैंने एक शुक्र अदा किया था, और वो शुक्र क्या था? ज़िंदगी और सेहत के साथ, आपके साथ। क्योंकि आज से 150-200 साल मैं दुनिया में नहीं था, ये देख रही होती थी बाहर बैठ के कि कौन सी एम्बुलेंस के अंदर ये आएंगे एज ए डेड बॉडी। तो क्या ख्याल है, डिप्रेशन हुआ कि नहीं हुआ, और क्या लेवल होगा एंजाइटी का, सोचें, उसको फील करके देखें। तो एंजाइटी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कोरोना के बाद पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, और डिप्रेशन भी जो है ना वो बढ़ा उसके बाद। लेकिन ओवर एंड ऑल साइकेट्री की सारी दुनिया में इलनेसेस बेतहाशा बढ़ी हैं। हमारा क्या मसला है इसमें? हम बात नहीं करना चाहते। हम बात करेंगे तो मसले का हल होगा। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं, आपको अंदाज़ा है ना कि इसमें क्या होता है? एक होता है मेनिया उसमें, और दूसरा होता है फिर और डिप्रेशन। ये हमारी टीम बैठी है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्ट भी करके दिखाती है, लेकिन यहाँ तो अभी मौका नहीं, नहीं तो आपको दिखाते कि मेनिया होता कैसे। और तो अगर हमारे घरों में और हमारे चारों तरफ कोई साइकेट्री का मरीज, तो क्या करना चाहिए? पहले तो सुन लें, ना सुने तो डॉक्टर के पास लेके जाएं। लेकिन लेके कहाँ जाते हैं? तो नहीं भाई, साइकेट्रिस्ट के पास कहाँ लेके जाते हैं? बाबों के पास जाते हैं कि तो बिल्कुल ठीक थी या ठीक था, जिन आया है वो चिमड़ भी जाता है आके। यार एक तो ये भी बड़ा मसला है, छोड़ता नहीं है, पक्का काम करता है वो, ठीक है ना। आपने ना इस और ये मैनिक डिसऑर्डर, इवन डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दोनों में आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मीनार ए पाकिस्तान को विजिट किया है? ऊपर गए? अलाउ नहीं है। अच्छा, ये क्यों नहीं अलाउ है? हाँ, सुसाइड कर लेते हैं लोग। सुसाइड क्यों करते हैं? क्यों भाई, क्या होता है डिप्रेशन? देर इज नो होप। क्या ऐसा होता है कि आम रियलिटी के अंदर जब लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जी ये तो बस का शौहर बहुत जालिम था इसलिए कूद गई, या इसको तनख्वाह नहीं मिली थी इस बंदे को, इसने अपनी चार बच्चियों को गर्दन काटी और खुद अपनी काट ली, ये क्या है? डिप्रेशन है। अच्छा, डिप्रेशन एक तो होता है
न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस होने से, जीन से, लेकिन एक और चीज़ से भी होता है, सारी बीमारियाँ जेनेटिक्स हैं। हर चीज़ तुम्हारे बाल से लेकर नाखून तक ना 4000 ऐसी क्वालिटीज़ हैं तुम्हारे अंदर कि जो तुम्हारे पेरेंट की तरफ से आई हैं। अच्छा, ये पेरेंट्स वो नहीं हैं कि जो अम्मी अब्बा हैं, 5000 साल पहले। बहुत कॉमन सी और छोटी छोटी मोटी मोटी बातें हैं, इसको याद रखो अच्छी तरह से, कि जिनकी नींद ठीक नहीं है और जिनकी भूख ठीक नहीं है, दोनों के चांसेस फाउंटेन हाउस में आने के बहुत ज़्यादा हैं इंटर्नशिप करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो फिर नींद और भूख भी ठीक हो जाएगी। नहीं, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा फिलहाल, नहीं, आप तो प्रोफेशनल्स हैं, आप क्यों एडमिशन और हमारी सर्विस भी 24 आवर्स है, ये पता है। हाँ, तो नींद को ठीक रखने के लिए करना क्या चाहिए, कैसे? तो ये मोबाइल फ़ोन जब चलता रहेगा रात को, कैसे सोना चाहिए? हाँ, उसमें दिमाग चलता है ना कि चार्ज हुआ कि नहीं हुआ और कोई मैसेज आया कि नहीं आया, और वो जो लाइट जलती रहती है बगैर आवाज़ के, वो भी पता चलता है। अच्छा, ये भी एक बीमारी है ना, उसके लिए इसमें जो है ना वो, इसमें भी कोई दवाओं की ज़रूरत होती है। हाँ, मजाक बिल्कुल नहीं। बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और अब भी वो हैं, तो उनमें वो एक मखसूस दवा है जो क्रिटेलिन कहते हैं, वो खाते थे ताकि नींद ना आए, ज़्यादा पढ़ें, 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ें। वो तो एडिक्शन है, बहुत ख़राब चीज़ है। आप में से कितने लोग हैं जो नॉर्मल नींद लेते हैं? अच्छा, ये नॉर्मल नींद होती कितनी है अपने हिसाब से सेट की हुई? 6 है, किसी की 8 है। और नींद के टाइमिंग्स कौन से होते हैं? रात के 9 बजे से, ये तो बड़ी बात है, सोते हैं इस पर? झूठ बात है, ये तो बिल्कुल झूठ है कि रात को 9 बजे कोई बच्चे सोते हों। सोते 12, 11, 11 बहुत बड़ा कोई कारण में किसी ने अंजाम दिया। मैं अपने बेटे से कहता हूँ कि भाई तुम जल्दी सो जाया करो, कहते हैं बाबा अगर कोई घर में इतने ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, अगर एक बंदा डॉक्टर नहीं बना और क्रिकेटर बन गया तो क्या मुसीबत है, मुझे सोने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जब भी उठूँगा क्रिकेट ही खेलना है मैंने, तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं नींद करने की। तो कहने का मकसद ये है कि नींद वैसे आती क्यों है? रीजनरेट होती है बॉडी में सारे सेल्स जो हैं। अल्लाह ताला ने सबसे खूबसूरत चीज़ अल्लाह ताला की इन्वेंशन क्या है? ह्यूमन बीइंग। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ब्रेन। और ब्रेन का मैं एक हार्मोन जो है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, नींद का हार्मोन मेलाटोनिन। कब निकलता है, किस वक्त? 11 अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। किस वक्त निकलता है, कितने बजे आता है? देखिए बहुत सिंपल फार्मूला है, मेलाटोनिन उस वक्त निकलता है जब अंधेरा हो जाता है, और जब बंद हो जाता है निकलना जब रोशनी आ जाती है। तो फ्रंटल लोब क्या मैसेज देता है कि सो जाओ या उठ जाओ, क्योंकि रोशनी हो गई है, और जब रोशनी आंखों पे पड़ती है तो फिर क्या होता है, नींद खुल जाती है और मेलाटोनिन निकलना बंद हो जाता है। तो फिर बाहर से एक गोली लेनी पड़ती है जिसको कहते हैं तितली वाली गोली। आज पूछना, उसका नाम लिक्सोटेलिन, और सारी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कोई गोली है तो उसका नाम लिक्सोटेलिन है। और अपनी काम वाली से ज़रूर पूछना चाहिए कि नींद की गोली कौन सी खाती है, वो कहते तितली वाली गोली। ठीक है,
ये सबसे बड़ी एडिक्शन है। अभी तो मैं एडिक्शन पे आया नहीं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि एडिक्शन करती क्या है आपके साथ। अच्छा जी, नींद के जो है टाइमिंग्स आपको सेट करने पड़ते हैं। जो लोग भी इन टाइमिंग्स में सोते हैं और मेलाटोनिन को एंजॉय करते हैं, आपको बाहर से किसी भी किस्म के ट्रैंक्विलाइजर या बारबिट्यूरेट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जब आप ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, रोशनी, बातें, नींद नहीं आती, क्यों? दिमाग क्या कहता है? सूरज निकल गया है, सूरज निकल गया है। फिर आप ये कहते हैं कि भाई मेरी नींद तो ठीक नहीं है। और जो लोग शाम को चाय पीते हैं, ज़्यादा चाय पीते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, ख़ासतौर पर ये यंग बच्चे बैठे हुए, जिनकी नींदें ठीक नहीं हैं और जिनको सही नींद नहीं आती, सुबह क्या करते हैं? वो सुबह चाय भी तो पीते ही हैं। करते क्या है, उनका बिहेवियर होता क्या है? हाँ, ये क्या होता है, ये क्या होता है? फ्रेश नहीं होते वो। और क्या होता है, और क्या होता है? चिड़चिड़े होते हैं। अरे चिड़चिड़ापन निकलता किस पे भाई? खुदा ना खास्ता अगर शादी हो गई हो तो बीवी पे और शोहर पे। खाली बीवी को क्यों करते हो हैं? और अगर शादी नहीं हुई हो तो मुबारक है, तो वो बहन भाइयों पे, कमज़ोर लोगों पे। अच्छा, कमज़ोर एक हद तक बर्दाश्त करता है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर वो आपको ठीक ठाक टफ टाइम देता है, चाहे वो बीवी हो, शोहर हो, छोटे बहन भाई हो या ऑफिस में आपके सबऑर्डिनेट हो, ठीक है। रिएक्शनरी क्या होता है? वहाँ से चिड़चिड़ापन होता है और फिर अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है आपस में। हमें ये पता ही नहीं होता कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, नतीजतन क्या होता है? तलाक, नौकरी से निकाला जाना, तालीम का ख़त्म हो जाना। आप ज़रा इसकी सिवियरिटी को सोचें, सिवियरिटी को सोचें। ये छोटी सी बात है, फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ है। और फिर उसकी अम्मा कहती है हाँ हाँ, जब से ये आई है इसकी वजह से ऐसा हुआ। बार बार मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पांचों एस्पेक्ट पे काम करना है। एक चीज़ भी इसमें से कम है हेल्थ की तो आप हेल्दी नहीं हैं। आप बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, बहुत बड़ा घर भी बना लें और तीन चार बड़ी काली गाड़ियां भी खरीद लें, अगर रिलेशन ठीक नहीं है तो उसका मतलब है आप सिफर हैं। एक और बीमारी ये देख, मेरे पास कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो अपनी जेब में साबुन रखते हैं। एक मैं इसका केस रिपोर्ट आपसे डिस्कस करता हूँ, इसकी सीवियरिटी को सोचें, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आएंगे या आ रहे होंगे आपको, जिनकी हेल्प करनी है। एक पेशेंट मेरे पास आती थी जो हाफिज़ कुरान थी, यहाँ पे भी एक हाफिज़ कुरान बैठी हुई है कोई? आप दो हैं। हाफिज़ कुरान थी और माशाल्लाह अल्लाह का नूर उनके दिल में था। उन्होंने मुझे बताया है कि डॉक्टर साहब मुझे ये मसला है ओसीडी का, मैं वॉशरूम में जाती हूँ तो फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं पाक नहीं हूँ, तो मैं दोबारा वॉश करती हूँ, जब तक दरवाजे तक पहुँचती हूँ तो दोबारा मुझे ख्याल आता है, तो मैं 12 घंटे वॉशरूम में रहती हूँ। कितने घंटे? 12 घंटे। इतना सीवियर। तो घर के बाहर वाले लोगों ने ये किया कि एक और बाथरूम बना लिया। तो मैंने कहा तुम्हारा इलाज नहीं कराया? कहते नहीं, हम मुझे उम्रे पे ले गए थे। ठीक है, आपका बिलीव है, लेकिन मैंने कहा एक गोली तो खिलाते? कहते नहीं, कहते डॉक्टर के पास नहीं जाना। ठीक, तो कहते डॉक्टर साहब दवा भी आपने देनी है, मेरे पास पैसे भी नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ, तुम इतनी दूर उस शहर से इस शहर कैसे आई? तो उसने ये बताया कि जब 12 घंटे होने लगे और एक और बाथरूम बन गया तो उन्होंने सोचा कि एक ही हल है इस मसले का, क्या करना है?
एक तो वॉशरूम हो गया ना, फिर भी मसला नहीं हल हुआ। अब फिर वही मसला का हल क्या, शादी कर दी उसकी। अब ज़रा मुझे बताएं कितनी ख़तरनाक ट्रेजेडी। उस घर गई, शादी हो के वॉशरूम जा रही, वहीं रह रही है, दवा नहीं खिला रहे, तो नेचुरली कोई रिलेशनशिप नहीं, तो शिकायत तलाक तक बात आ गई। तो लड़की के माँ बाप ने क्या हल निकाला ज़रा सोचो। उन्होंने कहा दूसरी बेटी की शादी वहाँ कर देते हैं, जो इंतहाई नाहल किस्म का निकम्मा देवर, वो जाके काम कर लेगी, क्योंकि ये तो बाथरूम में रहती है। अब सोचें, अच्छा वो दूसरी बेटी की भी शादी हो गई, गोली नहीं खिला रहे, डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे। अगली बात सुने, कोई इस तरह का सिलसिला हुआ, बेबी हो गया, बेबी हो गया, फिर उसको वही मसला कि बेबी को हाथ नहीं लगाती थी, तो माँ बाप ने घर साथ बना लिया, दूर घर था, घर साथ बना लिया, गोली नहीं खिला रहे। नतीजा क्या हुआ कि उसको तलाक दे दी गई। बेबी भी बेचारा, बेबी बहन को दे दिया गया, ठीक है। अब ट्रीटमेंट जब उसकी हो गई तो माशाल्लाह वो हाफ़िज़ा कुरान है, अब वो अपना मदरसा चलाती है। लेकिन हमारी कम्युनिटी ने क्या किया, हमारी कम्युनिटी ने क्या किया, दो फैमिलीज़ टोटल कोलैप्स हो गई, एक गोली नहीं खिलाई। रास्ता ज़रूर दिखाना है, और बिल्कुल सख्ती से रास्ता दिखाना है, कोई हैंकी पैंकी नहीं, कोई मुलम्माकारी नहीं, नहीं ठीक हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं, कोई तो ट्रीटमेंट के अलावा कोई चारा नहीं है। जवान लोग कितने रहते हैं, तुम लोग कितने रहते हैं यहाँ पे? ज़बरदस्त बात की, कहते हैं कि 55-60% जो है पाकिस्तान में यंग एडल्ट्स हैं। अच्छा ये यंग एडल्ट होते किस उम्र के हैं? बस उसके ऊपर वाले फारिग, 20-25 कर दिया, तो जहाँ तक यहाँ सारे बैठे हैं वही हैं, 15-50 एडल्ट्स होते हैं यंग। अब तो नया वो आ गया है, उसमें आप देखिएगा कि यंग की डेफिनेशन डिफरेंट है। इसकी सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है इन लोगों की, इस एज ग्रुप की? कितने लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं पाकिस्तान में, कितने लोग ड्रग एडिक्ट हैं, कितने कोई पता है? अच्छा वैसे ड्रग एडिक्शन होती क्या है? डिपेंडेंसी। किस चीज़ की? किसी, किसने कहा डिपेंडेंसी? तुमने क्या, किस चीज़ की? किस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है? एक होती है केमिकल डिपेंडेंसी और एक होती है नॉन केमिकल डिपेंडेंसी। नॉन केमिकल डिपेंडेंसी कौन सी होती है? कुर्सी की, दिन भर गाली दे रहे हैं कि ना बनो वज़ीर आज़म भाई, वो कहता कि नहीं बनना है, मैंने दिन भर गाली दे रहे हैं ना बनो, नॉन केमिकल डिपेंडेंसी। ये जो लड़की है ना, इसकी एक आँख नहीं है, नहीं अम्मी आपको पता ही कोई नहीं, वो एक आँख से इतना अच्छा देखती है, आपको क्या पता? ये क्या है? लव एडिक्शन। कितना समझा रहे हैं माँ बाप, ना करना इससे शादी, सही चलता नहीं है, आपको तो पता ही कोई नहीं है, मोर की तरह चलता है। इश्क क्या होता है? अंधा होता है। नहीं अंधा कैसे होता है, उसको कैसे पता चला मोर की तरह चल रहा है? कोई काम नहीं करती, नहीं कर लेगी आके, क्या है ये? तो लव एडिक्शन, ठीक है। अच्छा हाय किसने कही इतनी ज्यादा हाय?
ये तो भाई इधर है, एक एडिक्ट यहीं बैठा हुआ है। अच्छा चलें। अच्छा तो अच्छा आप हो गई केमिकल डिपेंडेंसी भी बात करते हैं केमिकल, क्योंकि अगर मैंने इस मौजू पर ज़्यादा बात की तो पता चले कि कोई मसले ना हो गया ज़्यादा। अच्छा जी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एडिक्शन निकलेगी। अच्छा ये सब्सटेंस अब्यूज़ कौन कौन सी एडिक्शंस हैं, आपको कौन सी याद है? इसको नहीं पढ़ना, इसको ना पढ़ना, इसमें लिखा हुआ है। एक एक बताते जाए, एक आदमी एक बताए, क्योंकि मेरे ख्याल से जितने हॉल में बैठे हैं सारी एडिक्शंस हैं। एक एक आप बताओ बस। हाँ एक हो गई ना, आप बताओ। ज़बरदस्त, आप जो दो बता दी इसके अलावा चले कॉफ़ी। स्मोकिंग हो गई है? नहीं स्मोकिंग नहीं हुई, चले गुड। एक बतानी, रिपीट नहीं करनी। अल्कोहल है, आप बताओ। अरे हीरोइन की एडिक्शन नहीं है? तंबाकू। चलो तुम बताओ। ओपीएम, ज़बरदस्त, आप बताओ। नहीं स्मोकिंग हो चुकी ना, अब इधर ही पढ़ लो सारे। मैं कहता हूँ कि याद करना है, ज़िंदगी में याद कर लो इस बात को। आगे चलो। ना ना खाली सिरप नहीं, ख़ास तौर पे खांसी की सिरप, कफ सिरप जिसको कहते हैं। एडिक्शन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में आएगी कि एडिक्शन है क्या। आप बताओ। जंक फूड में भी हाँ, उसमें कुछ नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं। फूड एडिक्ट कहते हैं इसको, फूड एडिक्ट। जी जनाब आप बताइए। हाँ वो तो लव एडिक्शन कह तो रहा हूँ, उससे बड़ी एडिक्शन क्या होती है? मुझे तकिए की एडिक्शन है, मेरी अपनी तकिया, जब तकिया इधर उधर जाए तो मैं नाराज़ होता हूँ। तो मेरा वाला कहाँ गया, उठा के कौन ले गया? तुम बताओ भाई। हाँ वीट आजकल बहुत, आप बताओ बेटे। बिल्कुल एडिक्शन है उनको, यहाँ तक तो जाना है। आप बताओ। हैश हो चुकी बात यहाँ मेरे जो है ना, हैश। आगे आप बताओ। नींद की एडिक्शन, वो अच्छा ये बड़ी जबरदस्त बात इसने की है। मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने बेल बजाई, काफ़ी देर बेल बजाता रहा, निकला ही नहीं। थोड़ी देर के बाद ना उसका भाई निकल आया, ऐसे ऐसे करता हुआ। मैंने कहा क्या कर रहा है भाई वो? कहता कौम ही खेल खेल रहा है। मैंने कहा कौम ही खेल खेल रहा है? कह रहे कौम भी सो रही है, वो भी सो रहा है। सही कहा तुमने। आगे मॉर्फिन, मॉर्फिन कभी टीका लगवाया है दर्द का? मॉर्फिन बहुत खतरनाक नशा है जी। आइस आजकल की मोस्ट कॉमन। हर बंद चॉकलेट ही खाना खत्म हो जाएगा फिर। जी आप बताएं। नहीं नहीं अभी तो बहुत सारे बाकी हैं भाई। पान, एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक जिसमें वो कौन सी रेड बुल और वो जो स्टिंक, देखा नहीं करंट कितना आता है उसके अंदर। एक बोतल पिए वो हवा में जाता है। आप बताओ, आप बताओ। नींद की गोलियां, बात ही खत्म हो गई भाई, ये तो गेटवे है। और आप बताओ, आप भूल गई बीच में से। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को बताओ। ओपीएम हो चुकी है, अफीम। आगे आपसे आगे वाली जो है, तंबाकू भी हो गया। और भाई ग्लू, ग्लू का पता है? समद बॉन्ड, पेट्रोल। मैं यही चाह रहा था कि पेट्रोल, हाँ पॉलिश, नेल पॉलिश, एडिक्शन, रिवोरा क्या, और ऑयल पेंट से भी होता है। ठीक है ये सारी एडिक्शंस हैं, लेकिन ये एडिक्शन होती क्या है? क्या आपका क्या ख्याल है कि क्या अल्लाह ताला ने कोई चीज़ें अपनी ऐसी बनाई है कि जो लोगों के लिए, जिनको एडिक्ट करार दे दिया जाए और वो इस्तेमाल की जाए? नो,
चेंज कहाँ होती है? तुम्हें नींद आ रही है? वो नींद आएगी तो मैं यहाँ बैठाऊँगा साथ। हाँ, उस वक्त से इसको नींद नहीं आई जी। आज अच्छी तरह समझ लें कि एडिक्शन है क्या। अच्छा हाँ, नंबर ऑफ़ दी पेशेंट्स के बारे में बात कर लें पहले। 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में फ्रॉम 15 to 50 ड्रग एडिक्ट्स हैं। अच्छा, व्हाट यू थिंक कि अगर एक शख्स एक घर में ड्रग एडिक्ट है, काम करता है वो? नहीं करता है। तो फाइनेंशियल बर्डन होगा उस पर घर वालों का, एक तो काम नहीं कर रहा, ऊपर से उसका खर्चा है। एक एडिक्ट कितना नशा कर लेता होगा? एवरेज लगा लेते हैं ऐसे, एक 1,000 रुपये का रोज़ाना, तो 30,000 रुपये का तो एक महीने का खर्चा हो गया। अच्छा ये बताओ, कोई देखा है ड्रग एडिक्ट? देखा है कोई जानने वाला, रिश्तेदार बहुत पास का देखा है? आपने देखा है? ये मुझे बताएं कि जो उसके वाले साहब हैं, क्या वो नॉर्मल काम करते हैं? सर, वो पास उसकी डेथ हो चुकी थी, इवन कि उनके भाइयों ने उसके घर से निकाल दिया। अच्छा, अब ये देख लें, ये एक स्टोरी है। एक तो वाले साहब बेचारे ना कोई काम कर सकते थे, अगर वो काम भी करते होंगे तो स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, जितने भी ये एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं या साइकेट्री के पेशेंट होते हैं, उनके वालदैन में 2 बीमारियां बहुत कॉमन होती हैं, एक डायबिटीज़ और एक हाइपरटेंशन, बीपी की बीमारी। और दोनों जो हैं वो जल्दी मौत लाने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, नंबर 1 जी। मैं आपको बताता ना उसकी वजह क्या है यार, ये मज़े बड़े मज़े की वजह है। अच्छा, आप में से मुझे एक बात बताएं, कोई एक बच्चा बताएगा मुझे उसको ज़िंदगी में सबसे खुशी किस काम से मिली, कोई एक बात बताएगा, कोई एक बच्चा सबसे ज़्यादा खुशी उसको इस काम से मिली कि उसने कासिम अली शाह फाउंडेशन को ज्वाइन किया, या डिग्री मिली, या उसकी शादी हुई, या कुछ हुआ, कोई एक बात मुझे बताएं कि तो वो कह के इससे ज़्यादा खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। आपको क्या? सर, हमारी सिस्टर को इससे बड़ा लंबा गया था, यानी हम 3 भाई थे, जो छोटे भाई की शादी की, जो उनकी बेटी हुई ना। अच्छा, जब मैंने उसको उठाया तो मेरा क्या हुआ उनकी। वाह यार, उनके लिए बहुत सारी तालियां बजाएं। इन्हीं को मैं एक्सटेंड करूंगा कि हमने गंगाराम में एक स्टडी की। गंगाराम कौन सा हॉस्पिटल है, किस चीज़ का अस्पताल है? गायनी का अस्पताल है, पंजाब का सबसे बड़ा। हमने वहाँ पे एक स्टडी की, मेरे उस्ताद जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर हारून रशीद चौधरी, उस टीम में मैं था। वहाँ पे स्टडी ये की गई कि जब चौथी बेटी पैदा होती है तो कितने बाप देखने आते हैं। स्टडी ये अंदाज़ा लगाओ, 100 में से कितने आते? नहीं 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 यार, इतना भी नहीं। वैसे तो बात सही, तुम लोग पहुँचे हो 30 से 40% लोग आए थे और 60% नहीं आए थे। अच्छा, अब टेबल किस तरफ आ जाओ, उस बेटी के साथ क्या होता है जिसका बाप देखने नहीं आया उसको? क्या कहते हैं? मनुष्य कहते हैं। अब वो ग्रो हो रही है किस नाम के साथ? नाम क्या रखा है उसका? उसका नाम रखा है अल्लाह माफ़ी। नाम क्या है? अल्लाह माफ़ी। ये अल्लाह माफ़ कर दे, इतनी बेटियां ना देना। नाम क्या है? अल्लाह माफ़ी। अब मुझे बताओ कि उसकी माँ के साथ क्या होता होगा, जिसकी बच्ची को बाप नहीं देखने आया। यार, बाप से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा रिश्ता है किसी बेटी के लिए, देखने नहीं आया। अब उस बेटी और उस माँ के साथ क्या होता है और माशरा क्या करता है? अच्छा, बदकिस्मती से ये जो माशरा, सो कॉल्ड मर्दों का माशरा, ये मर्दों का माशरा नहीं है,
औरतों पे माशाल्लाह। सारी नुक्स जो है ना निकालने वाली कौन है? चलती कैसे है? देखा है रंग तो देखो इसका, और ख़ुद अपना इतना काला होगा क्योंकि रंग तो देखो, मैं हैरान हो जाता हूँ यार। मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट था मेरा जूनियर, 56 रिश्ते उसने देखे। एक दिन मैं उसकी अम्मा को मिलने चला गया, मैंने कहा यार ये अम्मा कौन सी हैं, 56 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। मैं हैरान हो गया जब उनकी बातें मैंने सुनी। तो ख़राबी जो थी ना वो लड़के साहब तो हर चीज़ पे तैयार थे कि यार खुदा के वास्ते खुदा के वास्ते अल्लाह अल्लाह माफ़ी से भी करवा दो, करा तो दो, 56 हो गई। तो जब अल्लाह मियाँ ने अम्मा को अपने पास बुला लिया फिर उनकी शादी हुई। हाँ हाँ ये बिल्कुल रियलिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो गंगाराम में हमने ये होते देखा। अच्छा वो जो बाप है, क्या वो बाप मस्जिद जाता होगा जिसका बच्चा नशा करता है? ज़रा इसको फील करके देखें, क्योंकि हमारे माशरे वाले क्या कहते हैं ना, कहता है किससे, किसके बारे में पूछते हैं? उस बच्चे के बारे में कि जो इस क्लास में बैठा हुआ है और उसने मास्टर्स किया है, उसने एमफिल किया है, वो नौकरी कर रहा है, वो पीएचडी किया हुआ है उसने, उस बच्चे के बारे में या किस बच्चे के बारे में पूछते हैं? नशा कर रहा है। अच्छा किस बच्चे के बारे में पूछते हैं? जिसका रिश्ता नहीं हुआ, जिसकी मंगनी टूट गई हो, जिसको तलाक हो गई हो, उसके बारे में पूछते हैं। ये हमारा माशरा है। शादी में ढूंढ के आएंगे, इधर आओ इधर आओ, अब तक बिठाई भी है, अरे यार शादी में आए। अच्छा नहीं, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आपने नहीं करना अभी काम, आपने नहीं करना, आपने नहीं करना बिल्कुल। नहीं मौका मिलेगा तो करोगी, अभी तो सास बन गई तो फिर कुछ ना कुछ होगा। तो नहीं, याद रखना मेरी बातों को, ठीक है? माँ जाती होगी किसी शादी पे, यार कमरे से निकलती है माँ जिसका बच्चा नशा करता है, जानामाज़ से उठ सकती है वो? उसको कितना बड़ा पेन होता है कि उसका बच्चा किसी रोड पे होगा। अच्छा उसकी बहन जिसकी शादी हो गई हो ससुराल में, ससुराल वाले क्या कहते हैं उसको? नशई की बहन, पागल की बहन, मदद कोई नहीं करता। अच्छा वो जो छोटे बहन भाई उसके हैं, वो छोटे बहन भाई किसी कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, उसके साथ के लोग क्या कहते हैं? भाई किधर है तेरा, क्या कर रहा है? फिर क्या होता है, ये सब कहाँ जाते हैं? आइसोलेट हो जाते हैं। क्या ये नॉर्मल काम कर सकते हैं? क्या इनकी प्रोडक्टिविटी रहती है? क्या ये सही परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ में? क्या ये प्रोडक्टिव रहते हैं माशरे के लिए, मुल्क के लिए? नो। एक घर में पाकिस्तान में कितने लोग रहते हैं, एवरेज क्या है? ये किसी लाहौर की बता रही हो? लाहौर का बता रहे हैं, मैक्सिमम तो बहुत सारे हैं। अभी रिसेंटली एक साहब का इंतकाल हुआ जिनके 57 बच्चे थे। हाँ इसलिए मैक्सिमम की बात ना करो यार, 80 प्लस खुदा को मान ले यार। तुम्हें भी नींद आ रही है बेटे, थक गए हो? अब उड़ गई। हाँ एवरेज लगा लें 7। एक करोड़ एडिक्ट्स मल्टीप्लाई बाय 7 कितने हो गए? 7 करोड़ अफेक्टेड बाय वन डिजीज। मुल्क की आबादी कितनी है? 33%, तीसरा हिस्सा पाकिस्तान का इस बीमारी की वजह से तबाही की तरफ गया। और उसकी गेटवे कौन सा नशा है? चाय और सिगरेट। बिल्कुल याद रख लो आज, बिल्कुल याद रख लो इसको। गेटवे है ना, स्लीपिंग पिल्स तो बहुत बड़ी एडिक्शन है, बहुत बड़ी एडिक्शन है। चाय को तो हम एडिक्शन मानते नहीं है, सिगरेट को कौन मानता है? सिगरेट कोई मानता है? कोई नहीं मानता। स्टिमुलेंट है ना। अब ये देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि डिप्रेशन कितने, स्टूडेंट कितने, माइंड बेंडर्स कितने, सबसे ज़्यादा पागल जो पेशेंट होते हैं, पागल कहना नहीं चाहिए लेकिन साइकोसिस का शिकार होते हैं, वो ड्रग इंड्यूस साइकोसिस जो है ना वो हैश की वजह से होती है। वो कहते हैं कि ये तो पता नहीं मलंग बूटी है या पता नहीं कौन सी बूटी है, हैश, चर्स, टी, स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, ये सारी चीज़ें। तो अब अपनी ज़िंदगी को देख लो, अगर हेल्दी रहना है तो पांचों एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लव हार्मोन है इसका एक्सपीरियंस कितनों को है? सबको है लव हार्मोन, जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। अच्छा हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई। नहीं नहीं, वो वाला यार हर बात में। अच्छा, ये जो हमारे घरों में ना, मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा बापों को ये कहता हूँ कि यार अपनी बेटियों को हक क्या करें, हक क्या करें। अच्छा, बहनें बहनों को हक करती हैं लेकिन भाई भाइयों को नहीं हक करते, लाते वाते मारते हैं यार। एक 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 बिस्तर पे मैंने 6-6 बहनों को सोते हुए देखा है, एक बिस्तर पे 2 भाइयों को लिटा दे, मार मार के गिरा देगा एक दूसरे को। नहीं, अलहदा बात नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए, साथ ज़्यादा रहना पड़े ना, साथ ज़्यादा रहना पड़े ना फिर पता चलता है। लड़कियाँ ज़्यादा मिलती हैं, तुम्हें कैसे पता चला? ज़्यादा 36 नहीं, तुमको इतनी अंदर की बात कैसे पता चला? चले चले, वो कहती हैं गले मिलती हैं ज़्यादा। अच्छा खैर, जो असल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अपने जो रिलेशन है, मैं आपको पहली मैंने हदीस सुनाई थी, वो क्या हदीस थी? एहसास वाली हदीस। वो एहसास कैसे पैदा होगा, कैसे? हाँ, स्टोरी सुनने के अलावा अरे यार, घर की बात हो रही है, स्टोरियाँ सुन रही, बाहर की नहीं, अंदर की। पहले घर से तो ठीक करो, और घर से भी ज़्यादा कमरे में ठीक करो अपने। किसकी सुननी है? मैं अम्मी अब्बू की। आप में से कितने लोग हैं जो अपने अम्मी अब्बू के पैर दबाते हैं, और जिनकी शादी हो गई है अपने मियाँ की और बेगम के पैर दबाते हैं? मैं तो दबाता हूँ यार। हाँ, क्लैपिंग वो भी मेरे दबाती हैं, और मैं अपने वालिद साहब की भी दबाता हूँ, रोज़ दबाता हूँ, रोज़ उनका माथा चूमता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो अपने वालिद साहब के माथों को चूमते हैं, हाथों को चूमते हैं, वालदेन को, पैरों को चूमते हैं? क्या होता है इससे? ये हार्मोन निकलता है, ये हार्मोन निकलता है, और ये लव हार्मोन है भाई। इससे अच्छी फीलिंग्स किसी हार्मोन की नहीं है। इसकी फीलिंग्स होती क्या है? अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो मरी वगैरह और ऐसी जगहों पे गए हैं? सबसे अच्छी बात क्या लगती है वहाँ पर, आप बताएं? खामोशी। क्या लगता है? अच्छा, क्या क्या अच्छा महसूस? ठंडी हवा और खामोशी, और यार झरने, ठंडक, वो जो कतरे गिरते हैं पानी के, वहाँ की खुशबू, ये कैसे फील होता है? ये और मूड निकलता है। इसके लिए मरी जाना ज़रूरी नहीं है, ये हार्मोन निकलता है। जब आप अपनी अम्मी के गले लगती ना, ऐसा करते वही हार्मोन निकलता है। जब आप किसी को माफ़ कर देते हैं, ये हार्मोन निकलता है। जब आप माफ़ी मांग लेते हैं, यही हार्मोन निकलता है। और जब आप शुक्रगुजार होते हैं, किसका, किस तरह से? नमाज, तो नमाज एक डिफरेंट चीज़। चलें, इस पर मुझे मौका मिला ज़िंदगी तो फिर बात कभी करेंगे, ये एक बड़ा एक लंबा मौजू है, शुक्रगुजारी। और फिर किसका?
एक बहुत बड़ा लिंक है जो आपने छोड़ दिया बीच में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे आपकी सिलेक्शन, आप उनकी टीम में हो सकते हैं उनके बगैर? आपकी टीम के कैप्टन, आप उनकी टीम में हो सकते हैं उनके बगैर? कि नबियों ने उनकी उम्मत में पैदा होने की दुआ मांगी और आपको सिलेक्शन मिल गई भाई उसमें। जिस दिन से मुझे ये बात पता चली, मैंने दो रकात शुक्राना अदा करना शुरू किया कि मेरा अल्लाह मुझे किसी और उम्मत में पैदा कर सकता था, मेरा अल्लाह मुझे किसी और मज़हब में पैदा कर सकता था, उसने तो मेरे सर पर ताज रख दिया भाई, सर पर ताज रख दिया। खातिमुल नबीन की उम्मत में से हूँ मैं, तो उस दिन से मैंने दो रकात शुक्राना। अब उसके बाद शुक्र किसका करना है? ये शुक्र पे बड़ी लंबी चौड़ी बात होनी चाहिए, बच्चों को आपको समझ में आने चाहिए। किस पे? वालदैन, एक तो बायोलॉजिकल वालदैन है और दूसरे एक हम हैं, वो कौन है? ये कौन है? ये रूहानी वालदैन है। और ये वो लोग हैं कि वो वालदैन आपको दुनिया में लाते हैं और ये वालदैन आपको यहाँ खड़ा कर देते हैं, यहाँ खड़ा कर देते हैं। कितने बच्चे हैं जो प्राइमरी टीचर के पास जाते हैं कोई गिफ्ट लेके, बताएं सर। आज आप में से कितने बच्चे हैं जाते हैं आप जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके पास, वो गिफ्ट लेके जाते हैं उनके पास? दैट्स वेरी गुड, उनके लिए तालियां बजा करो। और प्राइमरी टीचर के पास तो चले गए, सेकेंडरी के पास जाते हैं? नहीं जाते। अच्छा, अपने वालदैन के लिए कोई गिफ्ट वगैरह लेके जाते हैं? yes, और बहन भाइयों के लिए? yes, sir. ले जाते हैं? पक्की बात है? yes, कैसे देते हैं उनको? ऐसे देते हैं कि ऐसे देते हैं? ये बड़ा फ़र्क है। अच्छा जी, ये हार्मोन है, इसको अटैचमेंट और बॉन्डिंग के साथ भी कहा जाता है। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैं हार्मोन मैं समझता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, इसको कहते हैं एंडोर्फिन। जॉगिंग कौन करता है? करते हैं, वॉक वगैरह करते हैं। 10,000 कदमों से ज़्यादा वॉक नहीं करनी चाहिए, नहीं तो एक और हार्मोन निकलता है और उसको मैं कहता हूँ कुत्ते वाला हार्मोन। आप में से किसी के पीछे कुत्ता लगा है कभी? लगाया आपके? आपके लगाए? क्या हुआ था उस वक्त? भाग रही थी, भागी भागी, जब भाग के कुत्ता भाग गया और आप बच गए, बचे तो यहाँ बैठे, तो क्या फील हो रहा था उस वक्त? नहीं, फिर क्या फील हुआ था? फील क्या हो रहा था? नहीं, फील क्या हो रहा था? शुक्र है बच गए। दिल कहाँ पे बोल रहा था? दिल यहाँ बोल रहा था, ठीक है ना। और जो कभी भागता नहीं है वो इतनी तेज कैसे भाग गया? आप ऐसे ही भागती थी हमेशा इस तरह कुत्ते के पीछे लगने से? नहीं भागते ना, तो कैसे कैसे हुआ ऐसा? वो उस हार्मोन की वजह से हुआ जिसका नाम एड्रेनालिन है। क्या करता है? क्या करता है? करता क्या है? पंप उसका ज़्यादा कर देता है, पंप कर देता है और ब्लड सप्लाई मेरे ख्याल से जो आपने एसी चलाया हुआ ना वो आप ही की तरफ जा रहा है जो भी कुछ हो रहा है। और ये चलाया मेरे लिए था इन्होंने ना। अब तो मेरे ख्याल से कुछ मिनट्स रह गए हैं। होता ही है कि ब्लड की सप्लाई जो है वो आपके आर्म्स में लिम्स की तरफ ज़्यादा जाने लगती है, हार्ट बहुत ज़्यादा पम्प करता है और चांसेस होते हैं ब्रेन की सप्लाई भी कम हो जाती है और हार्ट के नीचे की तरफ ब्लड जो है ना पूल होता है ताकि आप ज़्यादा भागें जान बचाने के लिए। लेकिन इसका अफेक्ट हार्ट पे और ब्रेन पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक तो ब्लड सप्लाई ब्रेन की रुख कम हो रही होती है और ब्लड जो है वो नीचे की तरफ और एक्स्ट्रा पम्प करता है, बहुत एक्स्ट्रा पम्प करता है। अच्छा, एक तो कुत्ते के पीछे लगने के अलावा भी ये हार्मोन निकलता है। कब?
एक तो लड़ाई में निकलता है और है हाँ अच्छा एक ये तो खैर एक मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है लेकिन गीबत करने से भी निकलता है जब आप किसी को बुरा चाहते हैं फिर निकलता है जब आप किसी से हसद करते हैं फिर निकलता है और वो करता क्या है ये हार्ट अटैक यंग डेथ्स मैंने अपनी जवानी से अब तो वो वक्त गुजर गया यंग बच्चों को नहीं मरते देखा अब मैंने देखा तो क्या बनना है एक छोटा सा मुसलमान करता क्या है माफ़ कर देता है माफ़ी मांग लेता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक मुसलमान की ख़ास निशानी है कि उसका दिल जो है ना वो एक छोटी सी चिड़िया की तरह से होता है जल्दी से माफ़ करता है और जल्दी से माफ़ी मांगता है क्योंकि जब हसद कर रहे होते हैं जब जलन कर रहे होते हैं तो ये हार्मोन मुसलसल निकल रहा होता है वो उस हसद करने वाले को जिससे आप करते हैं आपको पता ही नहीं होता उसको मैंने एक स्टडी पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि कैंसर के मरीजों पे स्टडी की गई दो ग्रुप लिए गए एक वो लोग जो माफ़ करके सोते थे और जो माफ़ नहीं करके सोते थे उनमें कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा ठीक है तो अल्लाह ताला के हर चीज़ में अल्लाह ताला के हर एक्ट में आप लोगों के लिए बेनिफिट्स हैं ठीक है तो आज आपने तीन चार चीज़ें क्या सीखी हैं उससे भी पहले एक बात थी एक तो सबसे कीमती चीज़ वक्त है और आगे दो नफल तो आगे उससे बीच में एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात सुनना और सुनना एहसास और उससे उसमें भी एक बात थी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात थी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या था और उस मेंटल हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है दिमाग का होना अरे यार इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई कि इसको याद रखो बार बार कहा कि दिमाग की बीमारी किसको हो सकती है याद करके जाना जिसके पास दिमाग है तो आज के बाद किसी को पागल ना कहना क्यों आपको भी उतने ही चांसेस है 100% जी उतने ही हैं चांसेस अगली बात एहसास माफ़ करना माफ़ी मांगना इन सब से क्या होगा नींद को ठीक रखना क्या होगा इसके होगा ये कि लीडर बनोगे जिसकी नींद ठीक नहीं है जिसका खाना ठीक नहीं है जो लड़ाका है जो हासिद है जो किसी का बुरा चाहता है व्हाट डू यू थिंक कौन नहीं चाहती ये वाली बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव थिंकर हैं हमेशा पॉजिटिव थिंकर लोगों में रहना चाहिए और आपको जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके साथ आखिरी बताऊं कि आपको शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह उसके रसूल का वालदैन का रूहानी वालदैन का और मैं ये समझता हूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन का क्योंकि ये रूहानी वालदैन है ये रूहानी वालदैन है जो आपको उंगली पकड़ के यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं ये तो लाखों लड़कियाँ लाखों लड़के क्या कर रहे हैं घरों में बैठे यूनिवर्सिटी में नहीं लड़कियां बर्तन वर्तन मांज रही हैं भाभियों के और भाई साहब जो है ना वो जाके बर्तन सामान वामान लेके आ रहे हैं जाओ दूध ले आओ जाओ पानी ले आओ नहीं चलो खेत में चलते हैं अब शुक्रगुजारी जो है ना वो एक बहुत खूबसूरत सी चीज़ है शुक्रगुजार आप में से जो लोग हैं आप में से 100% लोग मुसलमान हैं मुसलमान का मतलब बताओ अल्लाह
मुसलमान का मतलब बताओ। माशाल्लाह से मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल, मतलब बताओ। दो चार सीख लो चीज़ें, उस तरह ज़िंदगी में काम आए। यार हिंदू सच्चा नहीं होता ना, ना। बहुत आसान सी जवाब है इसको। मुसलमान का मतलब है मानने वाला, मानने वाला, ईमान वाला नहीं, मानने वाला, अनकंडीशनल मानने वाला। अल्लाह को देखा नहीं, नहीं देखा। उसने कहा कि दोजख में सज़ा मिलेगी, आपने क्या कहा? हाँ। उसने कहा कि जनाबे अली जन्नत होगी, हमने कहा हाँ। और किसने बताई हमें ये बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। देखा उनको? नो। उसने कहा झूठ ना बोलना, हराम ना कमाना, मान लिया। अनकंडीशनल मानना है, इसमें कुंचम कुंचम नहीं करना। कुंचम क्या? कुछ तुम्हारी शक शुबा नहीं, कुछ तुम्हारी मान लेते, कुछ अम्मी से मानते हैं। अच्छा चलें, आप ये कहती हैं तो मैं ये कर लेती हूँ। वो कहती नहीं बेटा ऐसे करना है, ऐसे करना, नहीं 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 इसको अम्मी ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा अपना और थोड़ा उनका। नो, मुसलमान का मतलब है कि 100% ओबीडियंसी, 100% मानना। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, अगर आपने उनको मानना है तो उनकी सारी माननी है। ये नहीं है कि चलो मैं थोड़ी सी सिगरेट विगरेट पी लेता हूँ, नशा कर लेता हूँ तो मैं मुसलमान हो जाऊँगा। नहीं नहीं, मुश्किल है, मानना है। इसी तरह से अपने पेरेंट्स के लिए भी है कि पूरा मानना है, और इसी तरह से अपनी रूहानी वालदैन के लिए भी है, पूरा मानना है। तो मुसलमान का मतलब आया समझ में? yes. क्या है? मानने वाला, कुंचम कुंचम नहीं है, थोड़ा सा चलो ये मान लेते हैं, थोड़ा सा नहीं मानते। मुसलमान बनने के लिए ये करना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच।